हेलो टू ऑल ऑफ यू गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर चैनल। जैसा कि जो हमने लास्ट लेक्चर देखा होगा, आपने जो फर्स्ट लेक्चर, मैंने आशा करता हूँ कि आपने देख लिया होगा, ठीक है। और फर्स्ट लेक्चर में जो भी मॉडुलस की प्रॉपर्टी वगैरह थी, मॉडुलस की ब्रेकिंग, वो सब वहाँ पे आपने कवर किया होगा, जो 50 मिनट का लेक्चर था। तो जो लोग भी ये लेक्चर देख रहे हैं, उनसे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो फर्स्ट लेक्चर था इसका, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर, ठीक है, फर्स्ट लेक्चर जो भी आपका है, ठीक है, वो आपने कवर कर लिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट लेक्चर अगर कवर किया होगा तो ही इस लेक्चर पे आइए, अदरवाइज पहले उस लेक्चर को यू हैव टू कंप्लीट दैट, ओके, एंड आफ्टर दैट यू यू कैन कम हियर, ठीक है। सो क्योंकि पे मैंने मॉडुलस प्रॉपर्टी के जो बेसिक डेफिनेशन थी, मॉड वगैरह क्या होती है, वो मैंने ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर दी है, तो उस लिहाज से जो टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ेगा और मैं उन चीज़ों का डिस्कशन नहीं करूंगा। सो होप इससे पहले आप जिन लोगों ने भी लेक्चर देख लिया होगा, वो एटलीस्ट वो ये तो जानते हो कि मॉड क्या होता है, ठीक है, और मॉड की ब्रेकिंग कैसे होती है, ठीक है, मॉड का ब्रेक कैसे करते हैं इन इक्वेशंस, ठीक है। अभी आपको इतना पता चल गया होगा कि इक्वेशन सॉल्विंग क्या होती है, ठीक है। इसके अलावा मॉड इक्वेशंस भी आपको पता चल गए होंगे, कैसे सॉल्व करके आप एक्स की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, मॉड के जो इक्वेशंस होते हैं, ठीक है। तो मॉड के जो इक्वेशंस होते हैं वो आपने देखे, अब ब्रेकिंग वगैरह कैसे होती है प्लस माइनस में, और मॉड वैल्यू क्या होती है, ये सब आपको हल्का फुल्का आइडिया हो चुका होगा, ठीक है, क्योंकि इतना तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। तो अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसी टॉपिक में जो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे मॉडुलस इनइक्वालिटी के टाइप क्या होते हैं, जैसे मॉड में इनइक्वालिटी भी आती है, ठीक है। तो जैसे आपने अभी तक क्या बोला था कि मॉड एक्स की वैल्यू जब 1 a होती है, ठीक है, ये आपको पता है। और a क्या है भाई, a यहाँ पे हमेशा बोल रहा हूँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, क्यों, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्स की वैल्यू तब क्या होती है प्लस माइनस a, ठीक है, और जब ये होती है तब एक्स की वैल्यू प्लस माइनस a, ठीक है। और मॉड अगर x की वैल्यू a है, वापस से बता रहा हूँ, एक और कंडीशन ले रहा हूँ, लेकिन इस बार अगर a नेगेटिव है, a क्या है, a नेगेटिव है, मतलब कोई जीरो से छोटा नंबर है, तो यहाँ पे x की कोई वैल्यू नहीं आती, x बिलोंग्स टू नल सेट या नो सोल्यूशन, जिसको नल सेट क्या बोल रहा हूँ, x बिलोंग्स, हाँ ये बिलोंग्स का नोटेशन है, और फाई क्या होता है, नल सेट, ठीक है, या लिख सकते हो नो सोल्यूशन, ठीक है, या आप बोल सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, जो भी आपको बोलना है, सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो ये तीन तरीके से आप जो भी बोलना कि मतलब एक्स की कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, क्यों, अगर ए निगेटिव हो गया तो मॉड की वैल्यू निगेटिव, और मॉड की वैल्यू कभी निगेटिव नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि मॉड हमेशा डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, ये भी मैंने सब बता चुका ऑलरेडी, ऑल द थिंग्स आर डिस्कस्ड इन लेक्चर वन, जो कि जितनी भी चीजें हैं किसमें, लेक्चर नंबर वन में डिस्कस कर चुका हूँ, तो इन चीजों को यहाँ डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो ये सब मैं थोड़ा सा बस आपको ब्रीफ इंट्रो दे रहा था कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। अब जो टॉपिक है, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मॉडुलस इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जो मॉड की इनइक्वालिटी होती है वो कैसे सॉल्व होती है। जैसे मैंने इसमें आपको मॉड की इनइक्वालिटी में दो टाइप की इनइक्वालिटी दे सकते हैं, कि मान लो कोई ए नंबर है, जैसे एक कंडीशन आपकी हो सकती है मॉड एक्स लेस देन ए, ठीक है, और एक क्या है मॉड एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, ये आपकी दो कंडीशन बनती है। अब देखो इसमें मैं पहली जो कंडीशन लेता हूँ, पहले इस पे ध्यान दो, ए पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये मैं लेता हूँ। अब तुम सोचो ए निगेटिव क्यों नहीं होता, अगर मैं मान लो मॉड एक्स ग्रेटर लेस देन ए दे रहा हूँ, ठीक है, अभी तुमको एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ क्या, पहले इसका सोल्यूशन तो तुम सबसे पहले बताओगे, मैं पॉजिटिव से पहले निगेटिव तुमसे खुद करवाऊंगा, निगेटिव वाला पार्ट तुमसे खुद करवाऊंगा, कि चलो ए लेस देन जीरो इसका सोल्यूशन बताना है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ए लेस देन जीरो में मैं क्यों ना ए बराबर माइनस टू ले लूँ, क्यों, मेरी मर्जी भाई, कोई भी जीरो से छोटा नंबर लेना है, चलो ए की वैल्यू मैंने माइनस टू पुट कर दी, है ना, चेक करते हैं माइनस टू पे क्या होता है, इसका क्या सोल्यूशन आता है। तो मॉड एक्स, मुझे रिजल्ट के हिसाब से देखना है, तो मॉड एक्स लेस देन माइनस टू है ना, क्यों, क्योंकि माइनस टू वैसे भी जीरो से छोटा है। तो तुम एक बात बताओ, मैं तुमको क्या बताया था कि मॉड की वैल्यू हमेशा क्या होती, पॉजिटिव होती, जीरो से हमेशा बड़ी होती, मॉड की कभी भी वैल्यू जीरो से छोटी तो आएगी ही नहीं, क्यों, क्योंकि मॉड वैल्यू हमेशा क्या रिप्रेजेंट करती है, डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है। तो तुम एक बात बताओ यार, जब ये वैल्यू कभी जीरो से छोटी हो ही नहीं सकती, जब मॉड वैल्यू कभी जीरो से छोटी हो ही नहीं सकती, तो क्या तुमको लगता है माइनस दो से छोटी होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा क्या हुआ, इसका मतलब मॉड एक्स लेस देन माइनस टू, इसका मतलब क्या तुम्हें कभी लगता है कि ये कभी माइनस दो से छोटी होगी, या ये निगेटिव नंबर से छोटी होगी, नहीं यार, जब जीरो से छोटी नहीं हो सकती तो माइनस टू की तो कोई बात ही नहीं उठती, क्यों, क्योंकि मॉड वैल्यू कभी भी निगेटिव हो ही नहीं सकती है, तो ये केस ही एब्जर्ड हो जाता है, ठीक है। या अगर आप इसको रियल लाइन पे देखना चाहो तो समझा रहा हूँ क्यों, देखो कैसे होता है,
रियल लाइन पे क्या आपको मॉड वैल्यू है, ठीक है, मान लो ये जीरो है, ठीक है, रियल लाइन, स्ट्रेट रियल लाइन, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, और यहाँ इस साइड में निगेटिव नंबर है, ठीक है, ये तुमको सब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि जो मॉड वैल्यू होती है हमेशा पॉजिटिव होती है, मतलब क्या मॉड की जो रेंज होती है जीरो से आगे की हो रही है, मतलब जीरो से कितना भी आगे इतना सब हो सकती है, लेकिन ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये वाला पार्ट मॉड में नहीं आ सकता, मॉड की वैल्यू ये वाला पार्ट में कभी हो ही नहीं सकती, मतलब मॉड अगर रियल लाइन पे देखो तो सिर्फ इतना पोर्शन कॉन्टेन कर सकता है, सिर्फ आपका ये वाला पोर्शन कॉन्टेन कर सकता है, इधर वाला जितना है। तो अगर आपने क्या बोला मॉड एक्स लेस देन माइनस टू, माइनस टू यहाँ कहीं होगा, और माइनस टू से छोटा वाला पार्ट मतलब ये जितने पोर्शन हो गए इधर वाले, माइनस टू के इधर वाले, तुमको लगता है क्या मॉड का कोई वैल्यू इधर पे है आपका? नहीं, क्योंकि मॉड की सारी वैल्यू कहाँ, यहाँ पे है। तो देखा जाए तो इसका कोई सलूशन ही नहीं होगा, एक्स की ऐसी कोई वैल्यू ही नहीं आप निकाल सकते जो माइनस टू से छोटी हो और ये मॉड एक्स की वाली जो इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करे, नो सॉरी इन इक्वेशन जो है, ठीक है, क्यों, क्योंकि मॉड एक्स लेस देन माइनस टू कभी हो ही नहीं सकता, जब मॉड एक्स, जब आपका जो मॉड एक्स है हमेशा जीरो से बड़ा होगा तो किसी निगेटिव नंबर से छोटा होने की तो सवाल ही नहीं उठती, तो इस तरह से अब्सर्ड हो गया, ठीक है। तो इसकी तो मैं बाद में बात करता, तो मैंने इसलिए इसकी बात कर दी, बता रहा हूँ क्यों मैंने इसकी बात की भाई, एक मिनट, चलो ठीक है। देखो भाई इसकी मैंने यहाँ बात क्यों की, ये देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, मैंने इसकी यहाँ बात क्यों की, अब देखो जैसे मैंने a लेस देन जीरो का केस तुमको ऑलरेडी करा दिया है कि नहीं, a लेस देन जीरो का, मैंने तुम अभी तुम लोग सोच रहे हो कि सर ने a ग्रेटर देन पॉजिटिव का ही क्यों केस लिया, इसलिए मैंने तुमको a लेस देन जीरो का भी करा दिया कि भाई a लेस देन जीरो में नो सोल्यूशन आ जाएगा, क्यों, कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, इसका मतलब है कि नहीं। चलो अब a ग्रेटर देन मॉड एक्स लेस देन a में क्या रिजल्ट आता है, तो इसको याद रखो ये तुम्हारा कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ठीक है, उसको तुमको दिमाग में रखना है कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए आया तो एक्स की वैल्यू माइनस ए से ए के बीच में आएगी, ठीक है, ये तुम्हारा सोल्यूशन होगा, क्या होगा ये तुमको दिमाग में रखना है, यू हैव टू कीप दिस थिंग इन योर माइंड, ठीक है, कि एक फॉर्मूले की तरह ही समझ लो है जो भी तुमको समझना है, ठीक है, कि अगर मॉड एक्स लेस देन ए और जहां ए क्या है पॉजिटिव, क्यों, अगर ए निगेटिव आया तो, अगर ए निगेटिव आया तो नो सोल्यूशन, ए नेगेटिव आने पे नो सोल्यूशन, ठीक है, तो उसका मैं केस का बात ही नहीं कर रहा हूँ, बात ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, अगर मॉड एक्स लेस देन ए और ए पॉजिटिव है मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो भी हो सकता है, तो एक्स बिलोंग्स क्या हो जाएगा माइनस ए से ए, ठीक है, माइनस ए से ए, या इसको आप एक स्टाइल में और लिख सकते हो, अगर आपने इसको इस तरह से लिखा तो इसको आप ये भी लिख सकते हो, इसी चीज को सेम मैंने कल ही बताया था ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल का डिफिनेशन देने के बाद, कि इसका मतलब ये भी लिख सकते हो आप, मतलब इसको दो स्टाइल में लिख सकते हो, जैसे मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू माइनस, अगर ये क्लोज इंटरवल होता तो आप कैसे लिखते, ये भी देख लो, अगर मान लो मैं ये क्लोज इंटरवल देता माइनस ए से लेके, ठीक है, प्लस ए, तो आप कैसे लिखते, तब आप लिखते यहाँ पे ऐसे, बस इस बार आपको इन इक्वेशन के साथ एक इक्वालिटी का भी साइन लगाना होगा, कैसे, देखो ये रहा एक्स लेस देन और इक्वल टू ए, क्यों, क्योंकि दोनों साइड क्या है क्लोज इंटरवल है। अब मान लो मैं एक चीज करता, मैं कहता इधर ओपन है, इधर क्लोज नहीं, इधर ओपन है, फिर से दिखा रहा हूं, देखो ये रहा, देखो अच्छा कलर ले लेता हूं, ये रहा, यहाँ ओपन है यहाँ क्लोज्ड है, तब कैसे लिखते हो इसको इस स्टाइल में, इसमें यहाँ पे बस क्या करते हैं, अब देखो यहाँ पे माइनस ए वाले पोर्शन पे ओपन है तो बस यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन नहीं आएगा, ठीक है, बस यहाँ पे आप क्या करते हैं इक्वेलिटी का जो साइन रिमूव कर देते हैं बस, और यहाँ पे चूंकि क्लोज इंटरवल है तो क्लोज इंटरवल साथ में लेस देन के साथ में इक्वेलिटी का साइन भी रहेगा, ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना जब आपका क्लोज इंटरवल आता है तो साथ में इक्वेलिटी का साइन भी लेता है, ठीक है, ये इक्वेलिटी का साइन भी लेता है, क्यों बताया, क्योंकि इसका मतलब है ये ए को भी आंसर में इंक्लूड किया है, और आपको मैंने कल ही बताया था कि क्लोज इंटरवल में मतलब क्या होता है, मतलब ये इसमें ए आंसर में इंक्लूड है, ए आपके आंसर में इंक्लूड है, सोल्यूशन सेट में आपका ए इंक्लूड है, लेकिन यहाँ पे माइनस ए इंक्लूड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ओपन इंटरवल में, इसलिए सिर्फ यहाँ पे लेस ग्रेटर देन का साइन लगाया है, इनइक्वेलिटी का साइन लगाया है, और यहाँ पे इनइक्वालिटी के साथ में इक्वालिटी का भी साइन आपका लगा दिया है, ठीक है, तो होप ये बात आपको समझ में आई होगी कुछ हद तक, ठीक है, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाऊंगा ना भाई सबका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो उसका टेंशन वेंशन नहीं लेना है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे तो कुछ क्लियर नहीं होगा, अभी तो थ्योरी सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब तक क्वेश्चन ना करो, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस करूंगा कॉन्सेप्ट में, जैसे ये आपका क्या हुआ कि आपका जो ये है ये मॉड एक्स अगर लेस देन ए है और ए ग्रेटर देन अगर जीरो है तो उस कंडीशन में क्या आएगा माइनस ए से एक्स ए आएगा, ये आपका सोल्यूशन सेट आएगा, ये आप डायरेक्ट क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट आपका सोल्यूशन सेट है, ठीक है, सोल्यूशन सेट, ठीक है, यही आपका है। अब देखो एक कंडीशन और है, ये तो हो गई लेस देन वाली,
अगर ये होता मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है, तब पता क्या कंडीशन होती, तब आपका होता एक्स लेस देन, और ये पता किस केस में, जब ए की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो, दोनों केस देख लो तुम, ए ग्रेटर देन जीरो है, क्यों, एक बार चलो मैं काम करता हूँ ए लेस देन जीरो लेकर देखता हूँ, तुम कहोगे क्यों नहीं, मैं ए लेस देन जीरो वाला केस लूँ, ले लो भाई, एक बार पहले तुमको ये अलग से क्लियर कर देता हूँ, मॉड एक्स अगर ग्रेटर देन ए है, ठीक है, और तुमने बोला कि मैंने लिया ए लेस देन जीरो, मैं ये वाली कंडीशन नहीं ले रहा हूँ जो ऊपर दी है, ये जो आपने रिजल्ट निकाला मैं क्यों मानू भाई, ठीक है मत मानो, एकदम मत मानो, कोई जबरदस्ती ही नहीं है, चलो इसको देखते हैं, अगर मैंने क्या बोला ए लेस देन जीरो, जब भी तुम कंफ्यूज हो तो क्या करो, फटाक से एक एग्जाम्पल ले लो, अगर तुमको रिजल्ट बनाना नहीं आ रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग खोलो, मैंने -2 ले लिया, इतना अच्छा सा निगेटिव नंबर है, ठीक, इससे अच्छा निगेटिव नंबर मुझे नजर ही नहीं आता, तो ये रहा मॉड एक्स ग्रेटर देन -2, ठीक है, मॉड एक्स ग्रेटर देन -2 मैंने ले लिया, ठीक है, अब तुम एक बात बताओ यार कि एक्स की कौन सी वैल्यू जो -2 से बड़ी होगी, मुझे लग रहा है सारी वैल्यू होगी, एक्स की कोई भी वैल्यू ले लो तुम, ऑल रियल वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो भाई, क्यों ऐसा तुम क्यों सोच रहे हो, क्योंकि मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव ही होती है, पॉजिटिव वैल्यू मतलब, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो, मतलब कोई भी अगर तुम मॉड की वैल्यू लोगे, कोई भी किसी का भी मॉड नंबर का ले लोगे, तो हमेशा जीरो से बड़ा या उसके इक्वल आएगा, तो जीरो से बड़ा या इक्वल कोई भी नंबर होगा माइनस टू से तो हमेशा ही बड़ा होगा ना, ऑलवेज बड़ा होगा ना, ये वाला जो केस है ये ऑलवेज होल्ड कर जाएगा, तुम कोई भी नंबर उठा के देख लो, -3 -4 -1.1 रियल लाइफ में जो तुम्हारे नंबर में आए, -7 -7 का मॉड लोगे 7 हो जाएगा, 7 ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, -5 का मॉड लो -5 का मॉड 5 हो जाएगा, और 5 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -2 हो जाएगा, तुम 0 ले लो, 0 मॉड 0 मॉड 0 ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, मॉड 0 की वैल्यू 0, और 0 -2 से बड़ा होता तो देखा जाए तो क्या आपको सारी की सारी ऑल रियल वैल्यूज आ जाएंगी, तो इस केस में क्या जाएंगी, अगर a लेस देन 0 होता तो क्या होता, ऑल रियल वैल्यूज, और ऑल रियल वैल्यूज को पता किस तरह से लिखते हो, जैसे आप लिखते हो कि जब कोई भी वैल्यू नहीं आती तो आप लिखते हो कि नल सेट लिख देते हो, x बिलोंग्स टू फाई लिख देते हो, उसी तरीके से जब आपका अगर सबका सब वैल्यू आएगा तो आप पता किस तरह से लिखते हो, उसको स्टाइल में लिखते हो x बिलोंग्स टू r, ये लिखते हो, या आप लिख सकते हो x बिलोंग्स टू बहुत लग, इस तरह से भी कई कई बार एग्जाम्स में दिया होता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अभी प्लस साइन लिखना मेरे लिए जरूरी नहीं, आपको पता ऑलरेडी कि अंडरस्टूड होता है प्लस साइन, ये प्लस साइन अंडरस्टूड होता है, तो x belongs to r और x belongs to minus infinity to infinity का मतलब यही होता है कि ये जो वैल्यू है, ये जो भी x की वैल्यू है पूरी की पूरी रियल लाइन पर, इस बार मैं क्या बोला, मान लो तुमने पूरी की पूरी रियल लाइन ली है, जीरो जीरो के साइड निगेटिव साइड पॉजिटिव, तो ये पूरी की पूरी रियल लाइन हो गई, अब तुम सोच रहे हो कि भाई सर ने ओपन अपने मन से क्यों लगाया, मैं बंद क्यों नहीं लगा दूं ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी में, है कि नहीं, तुमने ये बोला तो तुमको पता है ना तुम ओपन कब लगाते हो, जब वो वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है ना, एक बात बताओ कि जब तुम कोई क्या कभी तुम इन्फिनिटी को डिफाइन कर पाए हो कि इन्फिनिटी क्या नंबर है, तुमने बोला मैंने बोला किसी ने बोला कि सर 1 के आगे 10 जीरो लगा दो वो इन्फिनिटी, क्योंकि उसके आगे मैं थक गया, तो अगला बोलेगा मैं 11 जीरो लगा दूं, तो अगला बोलेगा मैं 12 जीरो लगा दूं, तो देखा जाए तो क्या ये कोई आपका डिफाइंड नंबर नहीं है, टर्मिनेट नहीं हो जाएगा कि आप एक इन्फिनिटी बोल दो, और जब आपकी इस तरह की नहीं होती कि अगर आपकी कोई लिमिट ही नहीं होती, मतलब आपका कोई क्लोज्ड वैल्यू पता ही नहीं, जैसे मैंने क्या बोला, अगर आपको जब बोलता हूं -2 से +2, इसका मतलब साफ बात बोल रहा हूं कि -2 से +2 के वैल्यू बीच की जो भी वैल्यू आएगी और 2 पे जाके सारी की सारी वैल्यू खत्म हो जाएगी, मतलब अगर रियल लाइन पे बोलूं तो ये रहा -2 और ये रहा +2, ठीक है, बस इतनी ही वैल्यू आएगी, ये -2 से +2 और भी -2 और +2 को इंक्लूड करके, इसके बाहर एक भी नहीं, यहीं पे खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर मैं बात करूंगा इन्फिनिटी के केस की, मतलब माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, अब आप क्या, क्योंकि आपको पता ही नहीं माइनस इन्फिनिटी कौन सा नंबर होता है, ये कोई नंबर थोड़ी होता है, अब और कोई बोलेगा प्लस इन्फिनिटी, ये भी कोई नंबर नहीं होता, क्यों, क्योंकि कोई बोलेगा चलो मैं -10 की पावर 7 को इन्फिनिटी मान लूंगा, तो अगला बोलेगा क्यों भाई इसके आगे भी चले जाओ -10 की पावर 8 मान लो, तो अगला बोलेगा 9 मान लो, तो कोई डिफाइंड नंबर थोड़ी ना, तो ये जब एंडिंग ही नहीं होगा, तो जब भी अनएंडिंग होगा, मतलब अनएंडिंग जिसका कोई अंत ना हो, ठीक है, जब आपको पता किसी सोल्यूशन सेट का एंडिंग ना हो, ठीक है, हमेशा उस केस में आप ओपन इंटरवल लगा देते हैं, तो इसलिए इन्फिनिटी के सामने जब भी मिलेगा किसी भी क्वेश्चन में आंख बंद करके ओपन इंटरवल लगाना है, कहीं तुमको क्लोज नहीं लगाना है, ठीक है, हमेशा ओपन इंटरवल चलता है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, तो ये था केस आपका, थोड़ा सा मैं बताने के लिए क्लियर करना चाहता था, क्योंकि बहुत लोग के दिमाग में उठता है कि सर क्यों नहीं ये क्यों देता है ऐसा भाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, तो जो बता रहा हूँ उतना समझ लो, उतना ही काफी है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन डीप में जाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपका फोकस होना चाहिए क्वेश्चन लगाने में, ठीक है, ज्यादा ओवर एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एनालिसिस करना है हमको, ठीक है, तो अब देखो मैंने लेस देन एक वाला केस ले लिया, ठीक है, तो अब कोई ये मत पूछेगा कि लेस देन ए वाले केस में क्या होता है, लेस देन ए वाले केस में क्या होता है, ऑल वैल्यूज, तो सीधे बोलो ऑल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज बोल दो यार, जो तुमको बोलना है,
ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी सोल्यूशन इसका आ गया, अगर ए लेस देन जीरो होगा, ठीक है। और इस केस में तुमको पता ही है, अगर यहाँ पे मैंने एक जो उल्टा केस लिया था ए लेस देन जीरो का, उस केस में क्या था, नो वैल्यूज, नो वैल्यू। कुछ लोग बोलेंगे नो वैल्यूज नहीं थकेंगे तो बोलेंगे चल मैं सर ये ले लेता हूँ, बिलोंग्स टू फाइल ले लेता हूँ, नल सेट जो तुम्हारा मन तुम वो ले लो यार, तुम चाहे एग्जैक्ट वैल्यू बोलो चाहे सोल्यूशन नॉट एग्जिस्ट जो तुमको बोलना है। तो चलो अब ये वाला केस लेते हैं, चलो वो तो मैंने बता दिया, चलो अगर ये वाला केस लेता हूँ, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए और ए पॉजिटिव होगा, तो उस केस में हमेशा याद रखो ये वैल्यू आएगी। एक मिनट, इसको दिमाग में एकदम पूरा नोट करना, छाप लेना समझ लो, क्योंकि ये क्वेश्चन में फटाफट यूज होगा। फॉर्मूले के तौर पे इसे दो पॉइंट्स को नोट करके रखो, ठीक है, कि ये जो अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स की वैल्यू माइनस एक्स या तो लेस देन माइनस ए होगा। यूनियन माने क्या, और होता है, यूनियन माने क्या होता है, और होता है। ये आपको मैं सेट इक्वेशन में आपको जैसे मैं बताऊंगा ये यूनियन का मतलब क्या होता है, अभी इतना जान लो। और मतलब क्या, जैसे मान लो आपको यूनियन लेना है 1, 2, एक सेट में दो एलिमेंट है और आपको यूनियन लेना है 3 के साथ में, ठीक है। तो जो भी मतलब यूनियन में होता है, यूनियन मतलब क्या, यूनियन का मतलब होता है सबके सबके सेट को मिला के लिख देते हैं, मतलब क्या इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। तो सेट का बस बेसिक नॉलेज इतना याद रखो कि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है दोनों को मिला के लिखना। तो अभी तुम ज्यादा मत जानो, अभी या तो तुम इसको यूनियन को और के तौर पर भी लिख सकते हो, ठीक है, या तो यूनियन लिखो या तो सोल्यूशन में और लिखो, लेकिन कई कबार सोल्यूशन में ये यूनियन साइन देता है, ठीक है, इसका मतलब होता है यूनियन साइन होता है, ठीक है, कि आप यूनियन साइन में जब जब भी आप इसको लिखोगे तो इसका मतलब होता है यूनियन, ठीक है। तो ये इसका मतलब होता है, अगर आप सीधी भाषा में बोलो तो और होता है, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में मैं सेट थ्योरी में जाऊंगा, तो सेट थ्योरी का वेट करना, बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं जानना, अभी जितना बता रहा हूँ उतना ही सुनो। जैसे आपको एक चीज और आएगी इसका, जब उल्टा आप इंटरसेक्शन लिखते हो, ठीक है, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, तुम समझ लो इंटरसेक्शन का मतलब, इंटरसेक्शन मतलब जो चीजें कॉमन होती है, मान लो 1, 2 है, ठीक है, और इंटरसेक्शन क्या, इंटरसेक्शन आपका आ गया 2, 3 आ गया, ठीक है, ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन मतलब क्या, कॉमन, जो दोनों में कॉमन हो, जो सेम चीज हो। तो दोनों सेट में क्या सेम चीज है, सिर्फ 2 कॉमन है ना, क्योंकि 1 भी इसमें नहीं है और 3 ये जो है इसमें, ये इसमें नहीं है, तो सिर्फ 2 क्या, 2 इसमें यहाँ पे है और यहाँ पे भी 2 है, तो इसकी वैल्यू पता क्या आ जाएगी, इंटरसेक्शन ये दोनों के इंटरसेक्शन, ये दोनों का इंटरसेक्शन 2 आ जाएगा। और आप इंटरसेक्शन को सिंपल भाषा में एंड बोलते हो, ठीक है, अगर मान लो कहीं एंड लिखा है और उसको मैथमेटिकली कन्वर्ट करना है तो आप उसको इंटरसेक्शन से कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है, ये इंटरसेक्शन, ये जो उल्टा कैप होता है। और जब अगर आपको सीधा यू यू मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है ये यूनियन को डिपेंड कर, ये यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, किसको, यूनियन को रिप्रेजेंट करता है। और यूनियन का मतलब क्या होता है कि सब मिला के लिख दो, सीधे एकदम शुद्ध भाषा में बोलूं कि सबको मिला के लिख दो, एक एक बार लिखो, ऐसा दिमाग में रखो। अभी दिखाता हूँ कैसे, एक एग्जाम्पल और दूंगा और ज्यादा यूनियन के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, बस यहाँ यूनियन का बता दे रहा हूँ यूनियन होता क्या है, ठीक है। तो एक मिनट, जैसे मैंने मान लिया, आप बहुत लोग बोलेंगे सर यहाँ पे मैंने 1 लिया, यहाँ पे मैंने 2 लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिया, ये यूनियन लेना मेरे को, ठीक है, 2, ये दो सेट मैंने लिए 2, 3 और 4, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सब लिखो और मिला के लिख दो, सब लिखूंगा तो सब मतलब क्या, देखो 1 यहाँ पे आया, ठीक है, 2 आया, है कि नहीं, 2 सब लिखना है, तो 2 लिखना है। अब बहुत लोग क्या करेंगे, बोलेंगे 2 यहाँ पे भी है और 3 सब मिला के लिखना, तो लिख दो सर, सब मिला के लिख दिया। तो एक बात बताऊं तुमको, ये तुमने बस एक चीज तुमको नहीं करना, ये तुम्हारे गलत लिख दिया, एक ही सेट में तुमने क्या किया, तुमने एक ही एलिमेंट को 2 बार लिया, तो ये नहीं करना था। यूनियन में मतलब क्या होता है कि सब मिला के तो लिखो, लेकिन हर चीज को बस एक एक बार लिखो, हर चीज को तुम सिर्फ एक एक बार लिखो, ठीक है, ओनली 1 टाइम लिखना है। मतलब जैसे यहाँ पे 2 आया, तो 2 दोनों में अगर एक बार है तो बस एक बार लिखो, तो ये एक 2 नहीं होगा, बस क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, देखो 2 कॉमन है, तो 2 को बस एक बार लिखो, फिर देखो 3 लिखो, फिर 4 लिखो। अब अगर मान लो इसे एक और एग्जांपल देता, एक मान लो एक और एग्जांपल दे रहा हूँ भाई, चलो एक एग्जांपल देता हूँ आपको, मान लो 1, 2, 3, ठीक है, ये आया, और यूनियन लेना आपको 2, 3, 5, ठीक है। तो आपका अगर ये दो 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 हुआ, तो ये दोनों में कितना सिंपल है, इंटर यूनियन लेना, कैसे, एक 1 लूंगा और ये 2, 3 यहाँ पे भी है, 2, 3 यहाँ पे भी, तो एक ही बार लिखूंगा 2, 3 को, ठीक है, जो चीजें कॉमन को एक ही बार लिखूंगा, और 5 को क्या करूंगा, बस 5 लिख दूंगा, खत्म, 1, 2, 3, 5, ये इसका यूनियन हो गया, ठीक है। तो ये यूनियन का मतलब होता है। या फिर अगर आप इसको, अब अगर मैं इसी क्या कहूँ, इंटरसेक्शन लेना है, उल्टा कर रहा हूँ मेरे को, एक चीज यही मिटवा दे रहा हूँ, बस यही देखो यही करवा देता हूँ, बोलूंगा यहाँ पे ये ना रह करके ये आपका हो गया इंटरसेक्शन, ठीक है, या एंड बोल दूं, या इसको जगह मैं एंड बोल देता, क्या बोल देता, एंड, एंड का मतलब इंटरसेक्शन ही होता है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है, ये दो चीज जान लो, ठीक है, ये हमेशा तुम्हारा टर्मिनोलॉजी में यूज होता है, ठीक है।
जैसे 1 2 3 मैं तुम्हें इसमें क्या बताया था, जब भी इंटरसेक्शन होगा, जब भी आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। तो 1 2 3 और 2 3 5 में क्या कॉमन है, देखो यहाँ 2 3 यहाँ भी 2 3, तो 2 3 कॉमन है, तो 2 3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक। तो ये रहा यूनियन और ये रहा इंटरसेक्शन, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ज्यादा डिटेल में मैं सेट थ्योरी में जाऊंगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे मेरा टारगेट है इनइक्वालिटी पढ़ाना। यहाँ पे आपको ज्यादा सेट थ्योरी का नॉलेज देने से कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। सो होप यू अंडरस्टैंड इट, ठीक है। अगर ये समझ रहे हो तो अच्छी बात है भाई, कि मतलब नहीं बनता यहाँ पे भी बाकी चीजें डिस्कस करने का। अभी जितनी काम की चीजें उतनी डिस्कस कर लो, ठीक है। चलो एक काम करो, अब मैंने क्या बताया तुमको, दो ये रखने दिमाग में, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है और ए पॉजिटिव है तो माइनस ए से ए, अगर मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स लेस देन माइनस ए यूनियन एक्स ग्रेटर देन ए, या इसको तुम ये भी बोल सकते हो, अगर एक्स लेस देन माइनस ए तो आप इसको बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन ए से इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि अगर एक्स ग्रेटर देन ए है, क्यों ऐसे लिख सकता हूँ बताओ? ऐसे मैं आराम से इसलिए लिख सकता हूँ कि अगर आप इसको नहीं समझ रहे हो कि इंटरवल में लिखना, तो इसको पता कैसे तुम लिखो, इसको एक तांत्र, तुम इसको देखो बड़े स्टाइल से रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखो, रियल लाइन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो रियल लाइन देखो, अगर तुमने क्या करो, एक काम करो, माइनस एक पॉइंट मान लो बना दो, ठीक है। एक पॉइंट तुम्हारा माइनस ए यहाँ कहीं होगा और ए कहीं तुम्हारा यहाँ कहीं होगा, है कि नहीं? अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम पूरा एग्जैक्ट बनाओ, तुमको पता ही हो, मतलब यहाँ कहीं बाई लोकेशन होगा। क्यों? क्योंकि ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव हो तो मान लो जैसे तुम्हारा ए तुम्हारा 5 होता, ठीक है, तो -5 तुम्हारा यहाँ आता, -5 यहाँ कहीं और 5 यहाँ कहीं आता, तो एकदम अप्रोक्सीमेटली नहीं बनाना है, बस ऐसे ही कुछ बना देना, ठीक है। अब तुम्हारा बोला एक्स लेस देन माइनस ए, तो माइनस ए के अगर लेस देन माइनस ए तो हमेशा माइनस ए के पीछे की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, जितनी है ये वैल्यू सोल्यूशन होगी। तो ये पूरी की पूरी जो भी पीछे का, मतलब ये जो पार्ट है पूरा का पूरा, उसको बता रहा हूँ मैं, ऊपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं कह रहा हूँ इसके जितने पीछे का सोल्यूशन है, एरो मार के दिखा दे रहा हूँ कि ये जितना पोर्शन है ये पूरा का पूरा सोल्यूशन हो गया, ठीक है। और एक पोर्शन क्या होगा, एक्स ग्रेटर देन ए, तो एक्स ग्रेटर देन ए माने ये वाला पोर्शन हो गया, है कि नहीं? मतलब ये जो आपके ये वाला पोर्शन, मैं कह रहा हूँ जो इसके आगे का जितना पोर्शन है, ठीक है। और ये दोनों को छोड़ करके, मैंने आपको बताया था डॉटेड का मतलब क्या होता है, जिनको नहीं पता वो पिछले लेक्चर में जाए, ठीक है। तो ये दोनों आपका सोल्यूशन हो गया। अब अगर आपको इसी को इंटरवल में लिखना है तो कितना आसान है, इधर लिख लो। इसका मतलब क्या, यहाँ माइनस इन्फिनिटी से होकर के माइनस ए जा रहा है, तो आप लिखोगे माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए यूनियन। अब यूनियन क्यों लिखोगे, क्योंकि ये हुआ और इसके अलावा एक सोल्यूशन ये है, यूनियन ए टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस तरह से इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये बात यही है, इसका मतलब यही होता है, ठीक है, कोई नई चीज नहीं होती है। तो देखा जाए तो आप इसको इस तरह से लिखना सीखो। और यू बहुत लोग सोचते हैं सर ऐसे क्यों नहीं लिख दो, माइनस ए टू माइनस इन्फिनिटी, तो ऐसा नहीं लिखना है, पता क्यों? इसका कोई मतलब नहीं बनता। हमेशा जब भी तुम इंटरवल लिखोगे तो इंटरवल हमेशा एकदम छोटे नंबर से, मतलब हमेशा तुम लेफ्ट टू राइट लिखते, तुम इतना समझ लो, क्या लेफ्ट टू राइट लिखते हैं हमेशा इंटरवल, लेफ्ट टू राइट एलिमेंट लिखते हैं इंटरवल में, ठीक है। कभी देखो 2 2 3 लिखते हैं कभी, इसका मतलब पता क्या होता है कि 2 से 3 की ओर जा रहा है। अगर तुम्हें रियल लाइन पे बोलो तो 2 यहाँ कहीं होगा और 3 यहाँ कहीं होगा, ठीक है, तो 2 से 3 की ओर जा रहा है। अब कोई ये लिख दे तो इसका मतलब ही गलत हो जाता है, क्या कोई लिखे 3 to 2, ये कोई मतलब नहीं रह गया, ये कोई मतलब नहीं रह गया। क्यों? ये 3 to 2 क्या होता है, 3 to 2 क्या, कोई 3 से बड़े नंबर से छोटे नंबर जाने का ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन गलत हो जाता है, ठीक है। ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन होता नहीं है, ये इंटरवल रिप्रेजेंटेशन गलत होता है। आपको हमेशा 2 to 3 मतलब हमेशा छोटे से बड़े की ओर फॉलो करना है। इसलिए मैं क्या बोला, सबसे छोटा क्या होगा यहाँ पे, यहाँ माइनस इन्फिनिटी होगा, है कि नहीं? कोई नंबर नहीं पता तो माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी साथ हमेशा क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल, ये बता चुका हूँ। तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए तक, यहीं तक सोल्यूशन है पहला। एक साइड आपका कौन सा, एक साइड आपका ये है यूनियन ए से लेके इन्फिनिटी आगे तक, ठीक है। तो ये आपका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से सोल्यूशन लिखते हैं, बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसको दो फॉर्म में आपने लिखना सीख लिया, मैं इसको सब कहता हूँ क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस कैसे होते हैं। तो देखो यार क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक तो मैं आपको यही बताते रह गया कि कैसे क्या करना है, क्या इंटरवल होते हैं। तो चलो अब जैसे मैंने बताया दो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, एक मिनट, ये जो दो एग्जाम्पल्स हैं, ये दो एग्जाम्पल्स के थ्रू आपका जो दो रिजल्ट है, सॉरी, ये दो रिजल्ट के थ्रू कैसे करते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट यू हैव टू कीप दिस टू थिंग्स इन योर माइंड, ठीक है, कि अगर एक्स मॉड एक्स लेस देन ए है और ए पॉजिटिव है तो माइनस ए टू ए, मॉड एक्स ग्रेटर देन ए है तो एक्स लेस देन माइनस ए यूनियन एक्स ग्रेटर देन ए, ठीक है, ए पॉजिटिव है। अब ये सब चीजें जब सोचोगे सर इतनी कैसे चीजें याद रखेंगे, तो प्रैक्टिस के थ्रू याद आएगा, ठीक है, ऐसे नहीं याद आता, कैसे, प्रैक्टिस।
करो भाई प्रैक्टिस, जो हमेशा बताता हूँ। चलो पहला क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं कि मैंने क्या बोला, मॉड एक्स स्क्वायर लेस देन 5 है, ठीक है। तो ए क्या है यहाँ पे, देखो 5 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, सिंपल सी बात है। मॉड एक्स लेस देन ए मतलब मैं अंदर की बात ध्यान ही नहीं दे रहा, मान ले कोई अंदर नंबर का मुझे क्या मतलब है, मुझे 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 क्या पता चला कि मॉड के अंदर की कोई वैल्यू और लेस देन 5 है। अगर लेस देन 5 है तो तुम क्या देखते हो, अगर मॉड एक्स लेस देन ए है तो ए की इसकी जो भी वैल्यू अंदर वाली है माइनस ए से ए के बीच पड़ेगी। तो माइनस ए से ए के बीच अगर पड़ेगी तो इसी तरह से सेम ये जो वैल्यू जो भी अंदर पड़ी है, अंदर मॉड के अंदर जो भी है, ये माइनस फाइव से प्लस फाइव के बीच पड़ेगा। सिंपल सी बात है भैया, सिंपल सी बात है भैया, ठीक है। इसमें कोई बिना दिमाग लगाए सिंपल सी बात है। अगर इतनी बात सिंपल है तो देखो कितना सिंपल है। अभी देखो अगर ये माइनस फाइव से फाइव के बीच पड़ेगा तो बहुत सोचेंगे सर इसको डायरेक्ट कर लेते हैं तो डायरेक्ट ही कर लो, या बहुत सोचेंगे सर अलग करके लिखते हैं थोड़ा अच्छा नहीं लिखा तो अलग करके लिख लो। जैसे एक इसमें एक चीज बना लो कि पहले मैं यहाँ से यहाँ तक अलग कर लेता हूँ। माइनस फाइव से देखो, माइनस फाइव से क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बड़ा है ना, यहाँ दिया ही हुआ है इनइक्वालिटी में, ठीक है। एक आपका ये दिया हुआ है, एक पार्ट आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स बड़ा है, और एक पार्ट क्या दिया हुआ है, अगर आप इसको और लिखोगे, क्यों, क्योंकि इसके अलावा एक और कंडीशन दी हुई है, वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स, ठीक है, लेस देन फाइव। यही कंडीशन है भाई, दोनों का अगर मिला के लिखो तो बात यही आएगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें देखा जाए तो दो कंडीशन छिपी हुई, क्या, माइनस पांच से तो ये बड़ा है लेकिन पांच से छोटा है, तो मैंने यही तो लिखा है, माइनस पांच से ये बड़ा है या पांच से छोटा है, बात यही है। कौन सी मैंने गलत लिख दी है, तो मैंने अगर बात सही लिखी है, चलो अब इस पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसको बिना सोचे समझे अब आगे बढ़ते हैं भाई, और आगे बढ़ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बोला, अब देखो इसी को थोड़ा सा इधर उधर मैं घुमा के लिखा तो बहुत लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं, लेकिन बेवकूफ़ बनना नहीं है। कि माइनस एक्स क्या है, एक तो पहली बात एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स है, फिर लिख दे रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, और एक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स लेस देन फाइव है, ठीक है। ये आपके दो केसेस बन गए, और यहाँ से क्या होगा कि जो आपका पहला केस है उसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो थोड़ा सा इसको मैं अलग इस टाइम लिखूँ तो क्या मतलब, इसका मतलब यही है, देखो बस मैंने यहाँ क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स पहले लिख दिया। अगर पहले लिख दिया तो मुंह देखो किसकी ओर है इसका, ये देखो ये एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स इधर की ओर है, ये देखो इसका ये कहाँ पड़ा है टॉप एंड, ये माइनस फाइव की ओर। तो मतलब समझा रहा हूँ कैसे क्या करना है, बहुत लोग समझ गए होंगे बिना देखे कि ऐसे करना है। क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्या ग्रेटर देन माइनस फाइव, इसका मतलब तो यही है भाई, कोई नया मतलब थोड़ी ना। और ये क्या है, एक इसके साथ ही क्या लिखना है, और के साथ में क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स लेस देन फाइव। ऐसा मैंने क्यों लिखा, थोड़ा ताकि थोड़ा सही तरीके से दिखने लगे, और कोई बात नहीं है, वरना वैसे ही सॉल्व कर लो बहुत लोग, ठीक है, लेस देन फाइव है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स अगर ग्रेटर देन माइनस फाइव है और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स लेस देन फाइव है, ठीक है, ये दो कंडीशन आपकी हो गई, ठीक है। तो अगर ये दो कंडीशन आपकी हो गई तो ये दोनों कंडीशन मैंने लिख लिया, ठीक है। अब ये माइनस फाइव को आप इधर, जैसे आप इक्वेशंस में नहीं लाते हो वैसे इसे परफॉर्म कर सकते हो, ये माइनस फाइव को आप इनइक्वालिटी के इस साइड लेके चले आओ, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दूंगा, अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स ग्रेटर देन माइनस फाइव अगर इनइक्वालिटी के इस साइड आ गया तो क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो। तो मैंने यही लिखा है, देखो पहला कंडीशन, और दूसरा इनइक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स लेस देन फाइव है, तो अगर इस फाइव को मैं यहाँ अंदर लेके आऊंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, जैसे आप इक्वेशन में साइन नहीं चेंज करते हो यार। अगर एक्स बराबर टू होता तो क्या लिखते हो, इधर लेके क्या लिखते हो, एक्स माइनस टू बराबर जीरो लिखते हो ना भाई, इसमें तो कोई गलती नहीं है ना, ये तो आप लिखते ही हो ना। बस वही मैं सेम इनइक्वालिटी में भी वही चीज़ चला रहा हूँ, ये चीज़ क्या चला रहा हूँ, इनइक्वालिटी में भी, ठीक है, इनइक्वालिटी में भी सेम चीज़ चला रहा हूँ, ठीक है। अब समझो यार, तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स क्या लेस देन फाइव है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो तो ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स लेस देन फाइव है, तो इस फाइव को यहाँ लेके चलाए तो माइनस फाइव आ जाएगा, तो क्या चीज आ जाएगा, लिख के ही आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव प्लस देन जीरो आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो इस तरह से एक पार्ट ये आया मेरा, एक पार्ट मेरा ये आया, ठीक है भाई, ये दो पार्ट आए, कोई बात है। बस मैंने क्या किया, उन्हीं चीज़ों को घुमा के लिख दिया। देखो अब बहुत लोग सोच रहे होंगे अब यही सब चीज़ें प्रैक्टिस करनी, थोड़ा सा ठीक ठाक तरीके से कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मैं जब तक क्वेश्चन कराऊंगा नहीं तो समझ पाओगे नहीं, तो बस मेरे साथ क्वेश्चन समझते चलो कैसे क्या करना है। तो ये रहा मेरा, एक कंडीशन मेरा ये आ गया और एक कंडीशन मेरा ये आ गया, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसका रूट्स आएगा क्या, देखो तो इसकी वैल्यू तुम नहीं लिख सकते हो, तो इसकी वैल्यू काम को तुम फैक्टर फॉर्म में निकालना हो तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टर क्या होता है, होता है एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, जहाँ पे अल्फा बीटा क्या होते हैं, इसके रूट्स होते हैं। ये बात आपको फैक्टर थ्योरम में बता दिया, जो लोग फैक्टर थ्योरम नहीं पढ़े डिटरमिनेंट में तो लोग मैं बात नहीं करना भाई, इसलिए कहता हूँ मेरे लेक्चर्स वन बाई वन देखो मैं चीज़ें, ताकि आगे एक्सप्लेन ना करूँ। फैक्टर थ्योरम्स पढ़ा तो मैंने आपको बता दिया था कि अल्फा बीटा का इसके रूट्स है, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ठीक है। तो अगर एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा के फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो यहाँ पे पहले अल्फा बीटा निकाल तो ले,
अल्फा बीटा इसके क्या होंगे, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो के हिसाब से देखा जाए, इसकी वैल्यू क्या होती है, एक्स एक्स की वैल्यू होती थ्री प्लस माइनस माइनस, अरे सीधा चार फॉर्मूला लगवा रहा हूँ यार, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू, ये करके देखना है यार, बी स्क्वायर क्या होगा, थ्री थ्री जार नाइन माइनस फोर ए सी तो प्लस ट्वेंटी हो जाएगा, ठीक है, ये सब नहीं करूंगा मैं, ये सब एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि फॉर्मूला का रूट्स कैसे निकालते हैं, अपॉन टू है, ठीक है, तो क्या आएगा, थ्री प्लस माइनस रूट ट्वेंटी नाइन, ठीक है, क्या आएगा यार, थ्री प्लस माइनस रूट ट्वेंटी नाइन, तो इसके कितने रूट्स हैं, एक रूट आपका आएगा थ्री प्लस रूट ट्वेंटी नाइन अगर एक पॉजिटिव साइन लोगे, और एक रूट आएगा कि थ्री माइनस रूट ट्वेंटी नाइन, तो अल्फा बीटा में दो वैल्यूज रख दो तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे, एक तो आएंगे एक्स एक्स माइनस और पॉजिटिव साइन लेकर के, ये पॉजिटिव साइन ले लिया आपने थ्री प्लस रूट ट्वेंटी नाइन, और एक क्या आएगा एक्स माइनस और एक बार निगेटिव साइन कंसिडर किया थ्री माइनस रूट ट्वेंटी नाइन, तो ये आपका आ गया, और ये क्या है लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो तो वही कंडीशन है क्योंकि आप आपको लेस देन जीरो ही लिखना है ना, तो बस मैंने क्या किया इसका फैक्टर कर लिया, क्या किया ये फैक्टर लिख लिया, क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकलता, आप डायरेक्ट सीधे फैक्टर से नहीं करके निकाल सकते, इसलिए आपको सीधे धराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ा, तो ये मेरा फैक्टर हो गया, बस सिंपल सा फैक्टर लगा लिया, और यहाँ पे तुम देख लो एक मिनट, और यहाँ पे तुम देख लो यार, अभी जो यहाँ वाला ये भी तुम देख लो, इसमें क्या करना है, इसमें तो अथा आसान है, क्यों, इसमें आपको क्या करना, अगर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस फाइव ग्रेटर देन जीरो है तो यहाँ पे तो और सिंपल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो जिन्होंने क्वाड्रेटिक पढ़ा वो जान ले और जिन्होंने क्वाड्रेटिक नहीं पढ़ा उनको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बस हल्का सा रखना है, इसको आपको बहुत ज्यादा डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जितना बता रहा हूँ उतना दिमाग में रखो, जिनको क्वाड्रेटिक का पता उनके लिए बहुत अच्छी बात है, कि अगर आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का कोई एक फंक्शन है, ठीक है, क्या क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक जो आपका ये है क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हैं, या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका फंक्शन होता है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का, ठीक है, अगर इसका a पॉजिटिव है, ठीक है, a पॉजिटिव है और d लेस देन जीरो, d माने क्या, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो है, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट तुम जानते हो क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी होता है, जानते ही होगे डिस्क्रिमिनेंट, अभी तो लोगों को पता ही होगा डिस्क्रिमिनेंट के बारे में, तो ये हमेशा एक रिजल्ट अभी दिमाग में रखो, और ये रिजल्ट ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पर रटने को बोल रहा हूँ, रटना मत, इस रिजल्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेल डिटेल, यहाँ पे बस जानना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कि अगर a ग्रेटर देन जीरो है और d लेस देन जीरो है तो हमेशा जो ये पूरी की पूरी वैल्यू होती है ना इस केस में ये पॉजिटिव आती है, क्या आती है, कि हमेशा पॉजिटिव आएगी, हमेशा मतलब बड़ी आएगी, कोई भी वैल्यू रख लो तुम, हमेशा पॉजिटिव आएगी मतलब ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो आती है, ठीक है, तो अगर तुम ये केस देखो तो ये केस में क्या है तुम्हारा, सॉरी d लेस देन जीरो तो हमेशा पॉजिटिव आता है, इक्वल साइन भी नहीं आता, सिर्फ तुम्हारा पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है, और इक्वल साइन क्यों आता है, क्योंकि इक्वल साइन का जो केस होता है वो जब डिस्क्रिमिनेंट तुम्हारा जीरो होता है, ठीक है, या जब तुम्हारे रूट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ रियल वैल्यू फाइंड आउट होती है तब वो हिसाब में तब तुम्हारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का केस बनता है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा क्या डी स्ट्रिक्टली अगर तुम्हारा लेस देन जीरो है, अगर तुम्हारा डी इतना याद रखो यार, अगर तुम्हारा डी स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो है और अगर ए पॉजिटिव है इस केस में तो हमेशा ये जो वैल्यू होगी पूरी की पूरी, ये पूरी की पूरी वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव होगी, ग्रेटर देन जीरो होगा। चलो ये जो केस मैं इस केस में तुमको दिखाता हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अगर तुम कंपेयर करो तो ए तुम्हारा वन है और तुम्हारा वन क्या हमेशा पॉजिटिव है ए से, तो तुम्हारा एक कंडीशन सेटिस्फाई कर गया यार। और दूसरा कंडीशन तुम्हारा क्या है डी, डी की वैल्यू अगर तुम यहाँ निकालो तो क्या आएगा, डी की वैल्यू आएगा बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी स्क्वायर की जगह क्या रखोगे थ्री स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस फोर इंटू फाइव तो माइनस ट्वेंटी, तो डी क्या आ गया माइनस इलेवन, और माइनस इलेवन भी क्या, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया डी लेस देन जीरो। तो अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया तो आग बंद करके क्या, आग बंद करके ये कि ये पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तो पूरी की पूरी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, और यही तो भाई कंडीशन में दिया है, यही तो कंडीशन में दिया है। इसका मतलब अगर मैं एक्स की कोई भी वैल्यू रख दूं तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा, तो अगर एक्स की कोई भी वैल्यू रख दूं हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या हो गया होल आर, एक्स बिलोंग्स टू होल आर या फिर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तुम यहाँ पे कोई भी रख दो अगर वैल्यू रख दोगे तो हमेशा ये पॉजिटिव आएगा। और ये अगर तुमको समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं है, मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा क्वाड्रेटिक में यार, अभी बस आपको जाना जरूरी कि ये बस इतना होता है, रिजल्ट इतना जान लो कैसे होता है ये मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा क्वाड्रेटिक में, तुम्हें पता ही मैं हर चीज आगे एक्सप्लेन कर ही देता हूँ जो चीजें होती है जहाँ पे टाइम आता है, ठीक है, तो यहाँ पे भी बस काम भर की चीजें जान लेना जरूरी है कि क्या होता है इनइक्वालिटी में, ठीक है, क्योंकि इनइक्वालिटी सॉल्विंग में क्वाड्रेटिक बताने की कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो उस लेवल के आते हैं तो मुझे तो बताना है ही, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको चीजें, ठीक है, बाकी जो रीजन है रीजन आपको पता चल जाएगा, ठीक है, आगे तो ये आपका हो गया, ये मतलब हमेशा किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए, या एक्स बिलोंग्स टू आर मतलब क्या, वही मतलब ऑल वैल्यू, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपका ये लेस देन जीरो है, ठीक है, अगर ये लेस देन जीरो है तो तुमको सिखाता हूँ इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, जैसे अगर ये लेस देन जीरो आया, ठीक है, तो पहले इसको जो भी तुम्हारे रूट्स उसको तुम क्या करो रियल लाइन पे लिख लो, एक रूट ये आया एक रूट ये आया, दोनों को तुम रियल लाइन पे लिख लो भाई, एक मैं रियल लाइन बना रहा हूँ, ठीक है, वहां मत देखो, तुम बगल में एक रियल लाइन देखो,
और एक रूट क्या है तुम्हारा, 3 + √29/2, एक तुम्हारा 3 - √29/2। ये वाला छोटा होगा पक्का, क्यों? क्योंकि इसमें कुछ घट रहा है 3 में से, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, मतलब बस वैल्यू इन एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी नहीं, बस लोकेशन हमको रखना है कि कौन आगे कौन पीछे। ठीक है, मानो तुम्हारा यहाँ कुछ 3 - √29/2 होगा, और 3 + √29/2 ये बड़ा है, तो ये यहाँ कहीं होगा। ठीक है, मुझसे मतलब नहीं कितना क्यों निकालूं फालतू का, मुझे काम ही नहीं करना, मुझे तो सोल्यूशन सेट निकालना है ना। 3 + √29/2, अब तुम समझो देखो तुमको करना क्या है। तुमको पता क्या करना, वैसा ऐसे तुमको जो कैसे तुम कैसे बना देना, तुम ये सब ये मत बोलना कि क्या करना है, तुमको ऐसे कर देना। ठीक है, और तुम क्या करना, ये मैसेज साइन इस तरह से लेना, पॉजिटिव निगेटिव और पॉजिटिव साइन लेना है। ठीक है, तुमको ऐसे रीजन बना के तुमको ऐसे करना है हमेशा। अब जैसे मान लो तुम्हारा, अब कुछ लोगों का क्या होता है, कुछ लोग कन्फ्यूज होते हैं, कुछ बोलते हैं सर अगर 3 रूट आता तो मान लो अगर तुम्हारा 3 रूट आता, मान लो तुम्हारा इस तरह का अगर आता है, तुम्हारा देखो इसमें देखो तुमको हमेशा कैसे केस बनाने, तुमको केस मतलब तुमको कैसे रीजन बनाना ये बता रहा हूँ, हमेशा रीजन का फॉर्मेशन कैसे करना है। अगर मान तुम्हारा 3 रूट आता तो तुम इस तरह से 3 चीज लिख देते और 3 बार ऐसे बना देते, कैसे ऐसे हमेशा बनाते जाना है ऐसे। ठीक है, और क्या करना है, हमेशा यहाँ शुरुआत करनी है तुम्हें, आगे अल्टरनेट चलना, हमेशा राइट से शुरुआत करनी, कभी पीछे से नहीं, यहाँ से क्या हमेशा यहाँ से शुरुआत करनी, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। अब मान लो कुछ लोग बोलते 4 रूट हम लिखते हैं, तो 4 बार लिख दो यार, कौन सा फर्क पड़ता है। मान लो तुम्हारा यहाँ होता -3, यहाँ होता -2, ठीक है, सॉरी ये 1 और 2 होगा यार, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, वैसे मैंने 2 नहीं लिखाते, -2 लिखा था। ठीक है, कोई बात नहीं है, थोड़ा लोग नहीं तो चकरा जाएंगे कि क्या लिख दिया सर आपने आगे पीछे, -3 - -2, ठीक है 1 और 2 लिख दिया। ठीक है ना, ये रियल लाइन पे सही चीज लिखी ना एक्चुअली में। अब इस बार क्या करोगे, इस बार भी वैसे ही करोगे, क्या करोगे ऐसे रीजन बना दोगे फटाफट, ये रीजन बन गया, ये रीजन बन गया, ये रीजन बन गया। ठीक है, और यहाँ से क्या करोगे, शुरुआत करूंगा पॉजिटिव, अल्टरनेट चलूंगा, अल्टरनेट माने प्लस प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, और फिर निगेटिव और फिर प्लस। तो इस तरह से आपको बता दिया मैंने रीजन कैसे बनाने। ठीक है, अब जैसे इस केस में सिर्फ मुझे 2 ही रीजन बनाने, क्यों, क्योंकि मेरे 2 ही रूट आए, 3 - √29/2 और 3 + √29/2, 3 - √29/2 और 3 + √29/2, और साथ से मैंने ये देखो रीजन बना दिया, एक रीजन यहाँ और यहाँ, और इस तरह से यहाँ चला गया। ठीक है, और देखो मैं क्या करूँगा, हमेशा यहाँ पॉजिटिव लिखूंगा, फिर यहाँ अल्टरनेट चला के निगेटिव, फिर यहाँ पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, अब तुमको देखो सोल्यूशन कैसे निकालोगे, सोल्यूशन सेट तुमको क्या निकालना है, लेस देन जीरो माने क्या, निगेटिव वाला पार्ट, निगेटिव रीजन, और निगेटिव रीजन क्या लिखोगे, निगेटिव रीजन, निगेटिव रीजन, और निगेटिव रीजन माने क्या, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट में कहां से कहां तक आंसर आया, ये यहां से यहां, 3 - √29/2 से 3 + √29/2, तो आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया मेरा 3 - √29/2 से 3 + √29/2। और मैंने साथ में ओपन इंटरवल क्यों लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लेस देन का साइन है, इक्वल का तो साइन है नहीं, है कि नहीं, कि मैं क्लोज लगाऊं, तो सिर्फ लेस देन का अगर साइन है तो मेरा बस ये आ गया ओपन इंटरवल, और इस तरह से मेरा सोल्यूशन हो गया। तो एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया एक, और एक आ गया एक्स बिलोंग्स टू 3 - √29/2 टू 3 + √29/2। ठीक है, तो मेरा इस तरह से जो फाइनल आंसर आएगा, एक तरफ तो आपका आ गया एक्स बिलोंग्स टू होल आर, और एक तरफ आपका आ गया ये, तो होल आर और एक तरफ आपका जब ये आ गया, तो दोनों को मिला के लिखोगे तो एक तो पूरी की पूरी लाइन ही आ गई है। ठीक है, होल आर मतलब पूरी की पूरी लाइन, दूसरी ओर कहाँ से कहाँ तक का आंसर आया है, 3 - √29/2 मान लो यहाँ है, तो 3 + √29/2, तो सिर्फ आपका इतना पोर्शन आया है। तो दोनों का यूनियन लोगे तो पता क्या आएगा, सिर्फ इतना वाला पार्ट बचेगा, जो आपका कॉमन आए इतना वाला पार्ट बच जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका ये कॉमन वाला पार्ट जो आपका है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आया, x belongs to 3 - √29/2 to 3 + √29/2। ठीक है, ये आपका होल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ओके, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। एक मिनट, तो आपको क्या लगता है, ये क्वेश्चन सही है? एक बार जरा सा सेल्फ एनालिसिस करना, कैन यू टेल मी इज दिस क्वेश्चन, इज जो सोल्यूशन मैंने कराया है वो करेक्ट है या क्वेश्चन करेक्ट है, जस्ट टेल मी। हाँ, पता है क्या हुआ यहाँ पे, यहाँ पर एक बहुत भारी भरकम मिस्टेक की गई है, और जो लोग भी उस चीज को आइडेंटिफाई कर लिए हैं, टेल मी इन कॉमेंट सेक्शन। क्यों, क्योंकि मैंने इसीलिए तो इतनी देर से और एंड वगैरह यूनियन इंटरसेक्शन का बारे में बता रहा था। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, बताओ कहाँ पे हुई है, कैन यू टेल मी, जो भी टेल करके बता सकते हैं भाई वो बताएं कमेंट सेक्शन में कि कहाँ पे आ रही है।
चलो उसको डिस्कस करता हूँ मैं एक बार, बताओ कहाँ पे वो मिस्टेक हुई है। ये रही, पूछो कैसे। जब आप बोलते हो सीधी बात, आप एक काम करो, जब भी आपको लगे कि आपको इसको बोलना है तो कैसे बोलोगे, उससे एंड और पकड़ लो, बोलो आपको यूनियन लिखना है या इंटरसेक्शन लिखना है। जैसे मैंने बोला -5 से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है 5, इसको आप ऐसे ही बोलोगे ना। आपने खूब मुंह से क्या बोल दिया, -5 से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है 5, आपने क्या बोला, और बोला, हिंदी वाला और बोल रहा हूँ, हाँ और नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये और बोल रहा हूँ, इसको आप क्या बोलते हो, एंड। ये तो नहीं बोलोगे ना -5 से बड़ा है एक्स या एक्स से बड़ा है 5, ऐसा तो नहीं बोलोगे यहाँ पे। यहाँ क्या बोलोगे भाई, यहाँ पे कंडीशन दी कि -5 से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है 5, तो और को इंग्लिश में क्या बोलते हो आप, एंड, है कि नहीं। और एंड को आप मैथमेटिक्स में क्या बोलते हो, इंटरसेक्शन, ठीक है। तो अगर इंटरसेक्शन आया तो जो मैंने जब इसको मैंने दो पार्ट में, जब ये -5 to 5 जब पहले तो यहाँ पे ब्रेक हुआ और उसके बाद जब मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया तो यहाँ पे और लगेगा या एंड लगेगा, एंड लगेगा, है कि नहीं, है कि नहीं। जो लोग भी इससे सहमत कर रहे हैं तो प्लीज बताएं, ठीक है, कि आपने ही बोला -5 से बड़ा है एक्स और एक्स से बड़ा है 5, तो अगर और बोला मैंने तो और मतलब एंड और एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो मैंने क्या बोला, एंड मतलब इंटरसेक्शन, तो इसका इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन माने क्या, जो चीज सिर्फ कॉमन है उसी को लिखूंगा, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन और यूनियन मतलब मिला के लिख दूंगा, तो कॉमन होगा, ठीक है। तो बस बाकी सब चीजें सही चल रही हैं। यहाँ पे आपने वैल्यू निकाली, यहाँ पे आपने वैल्यू निकाली और इसका सॉल्यूशन सेट आपका ये आया, तो आपने सॉल्यूशन सेट भी लिखा, बस यहाँ पे और नहीं एंड, और एंड मतलब इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन माने कॉमन चीज, और इसका जब इंटरसेक्शन लोगे तो बताए तुमको, तुम यहाँ पे क्या करोगे, अब तुम इंटरसेक्शन लेना सीखो। जैसे तुम्हारा एक साइड का केस क्या है, एक्स बिलोंग्स टू होल आर, तो एक्स बिलोंग्स टू होल आर मतलब ये पूरी की पूरी लाइन लेनी है, पहला केस, ठीक है। ये आप ऊपर बना लो, ठीक है, एक काम करो आप ऊपर ये बना लो, एक मिनट, सॉरी यार, ठीक है। आप क्या करो, आप देखो तो आपको इसी तरह से आप एक ही बार में बनाना सीखो कि कैसे इसका सोल्यूशन निकालते हैं। क्या करोगे आप, -∞ मान लो यहाँ कहीं आपने लिख दिया, ठीक है, और +∞ कहीं दिखा दिया, कोई नंबर नहीं था, मान ले पूरी पूरी होल रियल लाइन, एक बार फिर डार्क कर देना, ठीक है, एक बार आप डार्क कर दिए। अब आप क्या करोगे, एक एक तो 3 -√29 दिखाया आपने, मान लो यहाँ कहीं इसी में, आप दूसरा जो सोल्यूशन सेट के लिए, 3 -√29/2 कहाँ होगा, यहाँ कहीं होगा, कहीं यहीं कहीं होगा, क्या मतलब इतना ज्यादा कि एकदम डिटेल में पूरे डेसिमल में निकालने की जरूरत ही नहीं। और दूसरा क्या होगा, 3 + √29, भाई ये सब ध्यान रखो, यही सब गलतियां होती हैं खटाखट इनइक्वालिटीज में। तो ये आपका रहा √29, और जो दूसरा सोल्यूशन सेट है वो क्या, यहाँ से यहाँ मतलब इससे इसके बीच में, मतलब इसके इसके बीच में, तो देखा जाए तो कहाँ, इससे इसके बीच में, है कि नहीं भाई, इससे इसके बीच में, मतलब क्या बोला जाए, तो देखो तो एक तो सोल्यूशन आपको पूरा का पूरा ये हो गया, ये पूरा का पूरा लाइन ही हो गई, ये पूरी की पूरी आपकी लाइन है ये हो गई, और आपका एक सोल्यूशन क्या हो गया, सिर्फ इतना पोर्शन, ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, इतना सिर्फ इतने से इतने के बीच में, कहा इतने से, अरे इतने के बीच में, समझ रहे हो ना भाई, 3 -√29 से +√29/2, और दोनों को क्या लेना है, इंटरसेक्शन, माने दोनों का कॉमन, कॉमन क्या होगा, तो कॉमन सिर्फ इतना ही बचा ना पूरे लाइन में और इतने में, क्या कॉमन बचेगा, सिर्फ इतना ही बचेगा ना, इतना ही बचेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ भाई ये पूरी की पूरी लाइन है और एक तुम्हारा छोटा सा कोई इंटरवल ये है, ये छोटा सा इंटरवल, तो दोनों का कॉमन क्या बचा, कॉमन सिर्फ इतना ही बचेगा ना, यही वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट कॉमन हो जाएगा, ये वाला पार्ट कॉमन हो गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यही जो लाइन वाला पार्ट, मतलब कहाँ से कहाँ तक, 3 -√29/2 से 3 + √29/2, यही वाला पार्ट कॉमन हो गया, तो यही आंसर हो गया, ठीक है। बस यही सिंपल था, तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा, जैसे मान लो भी तुमको मैं बोलता, यहाँ पे कुछ लोग अभी कंफ्यूज और होंगे, इसलिए मैं उनको पूरा ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि भाई पहले तो आप समझ लो रीजन बनाना आ गया ना, रीजन बनाने वाली बात, ठीक है, और यहाँ पे क्या मिस्टेक हुई थी आप समझ में आ गया ना, क्या मिस्टेक की थी मैंने, यहाँ मैंने एंड नहीं लिखा था, यहाँ मैंने और लिख दिया था एंड की जगह, ठीक है, मैंने गलत इंटरप्रेट किया था लैंग्वेज, और जहाँ आप लैंग्वेज गलत इंटरप्रेट करोगे तुरंत क्वेश्चन गलत कर जाओगे, ठीक है, 2 मिनट नहीं लगेगा आपका आंसर सोल्यूशन सेट सब अलग आ जाएगा, ठीक है, उल्टा ही आएगा आपका सोल्यूशन सेट, और क्वेश्चन में एक ऑप्शन ऐसा भी रेडी रहता है जिसमें आप टिक कर दोगे, ठीक है, जा करके, यही जेई है भाई। तो आप देखो पहले कि मेरा ये था और ये यहाँ पे क्या होगा, एंड होगा, तो ये लोग नोट डाउन कर ले जो लोगों ने भी किया है, ठीक है, अगर जिनको जिनको पता था प्लीज टेल मी इन कमेंट सेक्शन, जिन्होंने गलती पहले आइडेंटिफाई कर ली थी, ठीक है, आई विल बी हैप्पी फॉर देम कि कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरीके से देख रहे हैं भाई, अच्छी तरीके से आप देख रहे हो इसका मतलब, ठीक है, और सही बात है। तो ये मैंने किया तो ये मेरा सोल्यूशन आया, सोल्यूशन निकालना तो आप इसका जानते ही हो कैसे निकालोगे, ये <0 है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, पहले तो ये वाला लोकेशन बनाया 3 -√29/2 लिखूंगा, नहीं मान लो ये वाला लोकेशन 3 -√29/2 और ये आपका आया 3 + √29, चलो मैं लिख देता हूँ यार, लिख ही देता हूँ, नाराज हो जाओगे, 3 - √3 + √29/2 और 3 -
रूट 29/2, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जो भी है उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे करके बस जितनी बार रहता है, मतलब जितने ज्यादा रूट्स रहते हैं उनका ऐसे इतनी बार लाना रहता है, ठीक है, रीजन बनाने होते हैं। इतना रीजन बना दिए और यहाँ से राइट मोशन शुरू करूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा, निगेटिव लिखूंगा, पॉजिटिव लिखूंगा, ठीक है। और क्या करूंगा, अगर लेस देन जीरो तो निगेटिव वाला रीजन सिलेक्ट कर लूंगा, लेकिन अगर मान लो यहाँ पे होता पॉजिटिव रीजन होता तो बता तुम पता क्या करते हैं, पॉजिटिव रीजन होता अगर तो पॉजिटिव रीजन कितने आता, एक रीजन आपका ये आता, ये वाला, ये पॉजिटिव रीजन आपका ये हो गया, देखो ना, और एक पॉजिटिव रीजन आपका कौन सा, ये वाला, मतलब यहाँ से यहाँ के आगे वाला। तो यहाँ से आगे वाला क्या, मतलब 3 से 3 प्लस रूट 29 बाई 2 से इन्फिनिटी वाला पोर्शन, और एक आपके 3 माइनस रूट 29 बाई इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी वाला पोर्शन। तो मतलब आपके दो पोर्शन आते, एक पोर्शन ये आता और एक पोर्शन ये आता। और इन दोनों को किस फॉर्म में लिखते हैं आप, लिखते अगर यूनियन में तो कैसे लिखते हैं, माइनस इन्फिनिटी लिखते हैं, है कि नहीं, यहाँ से है कि नहीं, एकदम लेफ्ट मोस्ट लिखते हैं। और कहाँ तक, पहले तो ये वाला पोर्शन कॉमा 3 माइनस रूट 29 बाई 2, ठीक है। एक तो आपका एक इंटरवल ये आता, और इसके अलावा और या तो आपका एक इंटरवल ये आता, या तो मतलब क्या यूनियन, और इसका यहाँ पे क्या है 3 प्लस रूट 29 बाई 2 है, और इस बार क्या था आपका, ये पॉजिटिव रीजन का दूसरा पार्ट ले रहा हूँ, पॉजिटिव रीजन का दूसरा पार्ट ले रहा हूँ, दूसरा सेट ले रहा हूँ, 3 प्लस रूट 29 बाई 2, ठीक है, जो भी आपका आया कॉमा, ये बाई 2 है, ठीक है, देखना। और ये कॉमा, और यहाँ से यहाँ मतलब कहाँ जा रहा है, देखना, पूरा पूरा रीजन इन्फिनिटी तक जा रहा है, यहाँ मतलब ऊपर मतलब क्या है, पूरा पूरा आगे पूरा रीजन पूरा जा रहा है, ठीक है, पूरा आगे तक जा रहा है और इन्फिनिटी तक जा रहा है। तब आपका सोल्यूशन सेट ये हो जाता है, अगर आप पॉजिटिव साइन है तो, तुम सोचो अगर पॉजिटिव साइन लेने पर तुम्हारा सोल्यूशन सेट ये आता, और नेगेटिव साइन लेने पर क्या आता, नेगेटिव साइन लेने पर आपका ये वाला पोर्शन आता, ये अंदर वाला, ये वाला रीजन क्या है, 3 माइनस रूट 29 बाई 2 से 3 प्लस रूट 29 बाई 2, तो आपका यहाँ पे सोल्यूशन सेट आपका ये आता, 3 माइनस रूट 29 बाई 2 से 3 प्लस रूट 29 बाई 2, और ये एक तो x बिलोंग्स टू होल आर आया, तो दोनों का सोल्यूशन क्या आता, दोनों का फाइनल कॉमन क्या आता, x बिलोंग्स टू होल आर मतलब पूरी की पूरी लाइन, और ये 3 माइनस रूट 29 बाई 2 से 3 प्लस रूट 29 बाई 2, ये मान लो ये पोर्शन, तो दोनों का कॉमन पोर्शन क्या आता है, एक तो 3 माइनस रूट 29 बाई 2 से 3 प्लस रूट 29 बाई 2, और एक आपका आया है होल आर, दोनों का कॉमन रीजन क्या आता, दोनों का कॉमन रीजन सिर्फ इतना वाला पार्ट आता, और इतने वाले पार्ट का सोल्यूशन क्या होता है, 3 माइनस रूट 29 बाई 2 से 3 प्लस रूट 29 बाई 2। सो होप तो आप थोड़ा सा बात समझे होगे यार, ठीक है, अगर थोड़ा भी समझ में आया तो अच्छी बात, अभी मैं आगे और इस तरह के क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो उनसे ये चीज थोड़ी सी एक्सप्लेन और होगी भाई, ऐसे थोड़ी ना एक बार में एक्सप्लेन हो जाती है। चलो देखो, अब यही एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें बेवकूफ बनाते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ऐसे क्वेश्चंस में सोचते हैं लोगों को कि बेवकूफ बना ले, पर आपको बेवकूफ बनना नहीं है, ऐसा थोड़ी ना बेवकूफ बन जाना है। जैसे आपको बोला कि मॉड एक्स लेस देन माइनस 3 इसका सोल्यूशन बताओ, तुरंत दिमाग लगाना कि मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, मॉड एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होती है, ये तो बोल रहा है यहाँ पे भाई लेस देन माइनस 3 है, मतलब माइनस 3 से भी छोटा, माइनस 3 से छोटा छोटा क्या होता है, माइनस 4, माइनस 5, मतलब माइनस 3 से छोटा यही वाले केसेस होते हैं देखा जाए तो। आप अगर आप रियल लाइन पे बनाओ तो क्या होगा, माइनस 3 यहाँ कहीं है, और मॉड की वैल्यू क्या आती है, हमेशा जीरो या जीरो से बड़ी आती है, तो मॉड की वैल्यू हमेशा कहाँ से कहाँ आ रही है, देखा जाए तो जीरो ये है, और जीरो या जीरो से बड़ी मतलब देखा जाए तो ये वाला केस होता है, ये वाला, सॉरी ये जीरो यहाँ है, सॉरी एक मिनट, हाँ यहाँ से लेकर के ये आगे वाला, और आपकी वैल्यू कहाँ से आ रही है, माइनस 3 से छोटी होनी चाहिए, माइनस 3 से छोटी मतलब ये वाला पोर्शन आ रहा है, तो कहीं मिल रहा है क्या एग्जिट पोर्शन, एक पॉइंट तक नहीं इंटरसेक्शन हो रहा है, कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा देखा जाए तो, क्योंकि तुम्हारा पूरा पूरा जितना भी नंबर है वो यहाँ पे मिल रहा है, और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी, माइनस सॉरी जीरो से आगे आएगी, क्यों, क्योंकि मॉड की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, तो ऐसी कोई एक्स की वैल्यू ही नहीं आएगी जिसमें आप रखोगे माइनस 3 आएगा, तो ये नो सोल्यूशन होगा। इस तरह का केस मैंने ऊपर डिस्कस किया था, ठीक है, जो आपका ऊपर केस गया था मैंने यहाँ पे मैंने डिस्कस किया था, ए लेस देन जीरो यहाँ पे भी लिया था, ए लेस देन जीरो को यहाँ पे भी के लिया था, सो होप यू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है, थोड़ा सा बस इस तरह के क्वेश्चन को देखो सावधानी के साथ में किया जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन को करते हैं बस हमको ये देखना, जैसे एक सिंपल सा बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया, ये तो एकदम फॉर्मुला बेस्ड ले लिया हूँ कि मॉड एक्स ग्रेटर देन 3 है, तो बोल रहा हूँ इसका सोल्यूशन निकालो, तो मॉड एक्स ग्रेटर देन ए टाइप का फंक्शन हो गया, सॉरी इन इक्वेशन हो गया, ठीक है, और ए यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव वाला है, और अगर ए पॉजिटिव है तो यही फॉर्मूला है, देखो भाई या तुम्हारा फॉर्मूला एक्स लेस देन माइनस ए, एक्स ग्रेटर देन ए, तो यही कर दो, और ये कर दोगे तो कहाँ गया एक्स लेस देन माइनस ए, तो एक्स लेस देन माइनस 3 हो जाएगा, ठीक, और लिखा था ना मैंने, और मतलब क्या यूनियन एक्स ग्रेटर देन ए, एक्स ग्रेटर देन ए माने एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है। अब इसी को भाई इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से लिख दिया हूँ, बताया तुमको कैसे लिखना, तो ये रहा तुम्हारा इंटरवल के फॉर्म में, इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, और इसका मतलब 3 से इन्फिनिटी, ठीक है, खत्म, इस तरह से करते हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन दिखाता तुमको, देखो ये भी बेवकूफ बनाने का नया तरीका, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस 3 पूछा है, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस 3, ये भी केस ऊपर बता चुका हूँ, मॉड एक्स माइनस, उसमें क्या लिया था मैंने, मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस 2 का एग्जांपल लिया था, बस इतना फर्क है, तुम लोग कर चुके हो,
चलो मॉड एक्स ग्रेटर देन माइनस थ्री का सोल्यूशन बताओ। तो तुम कहोगे सर मॉड एक्स की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव होती है, मुझे इतना पता है, और अगर हमेशा पॉजिटिव होगी ऑलवेज, तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव हो गई तो कोई भी पॉजिटिव नंबर -3 से तो हमेशा ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब सारी की सारी ऑल वैल्यूज जो भी एक्स की होंगी, ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वो सब सेटिस्फाई करेंगी। ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स मतलब क्या, चाहे तुम बोलो इसको एक्स बिलोंग्स टू आर बोलो, चाहे बोलो एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है ये बोलो, ठीक है मतलब यही होता है। या फिर तुम बोलो होल रियल लाइन बोल दो तुम, यार जो तुमको बोलना है, बहुत लोग बोलेंगे होल रियल लाइन, ठीक है अपना अपना कहने का तरीका होता है, बस जानना आपको मतलब क्या होता है सबका। सबका मतलब एक ही है भाई, कि पूरा का पूरा रियल लाइन आ रहा है, ठीक है। तो ये रहा आपका केस, ठीक है। तो जो मैं आज, वैसे भी लेक्चर काफी लंबा हो गया है, तो मैं सोच रहा हूँ कि आज यहीं पे स्टॉप देता हूँ। अभी क्वेश्चन को आगे मैं करवाऊंगा, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। अभी आगे आपका क्वेश्चन सीरीज जो है, अब आपका थोड़ा सा अच्छे अच्छे क्वेश्चन लूंगा। तो अभी आपका पता क्या काम है, बस अभी तो आपका बस इतना काम है कि ये जो बेसिक्स है जो मैंने बताए हैं, ठीक है, ये आपके जो केसेस हैं, ये आपका जो एक केस ये है, ठीक है, और एक ए लेस देन 0 वाला केस है, ठीक है, और एक आपका ई वाला केस है, और एक 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 तो आपका इसमें भी ए लेस देन 0 वाला केस है, ठीक है, ए लेस देन 0 वाला केस। वो चारों केस अपने दिमाग में याद रखने हैं, आपके दिमाग में रहने चाहिए, ठीक है, इन योर माइंड, ठीक है। तो उसको कैसे रखना, आपको प्रैक्टिस करनी है, अभी प्रैक्टिस और करेंगे, और डीपी वगैरह आपको ग्रुप में शेयर होंगे, ठीक है, इनइक्वालिटी की, और वो मैं भी शेयर करूंगा, ठीक है, तो उसकी कोई बात नहीं है। तो अभी आप बस दिमाग में रखिए और कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, और जहाँ भी अगर कहीं डाउट आ रहा है तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी सकते हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का डाउट या किसी भी तरह का लेक्चर में डाउट अगर आपको आया है, यू कैन आस्क देयर, ठीक है। किसी तरह की कोई भी समस्या है, आई डेफिनेटली हेल्प यू, ठीक है, आई विल ट्राई टू हेल्प, ठीक है। तो तब तक के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व करो यार। और एक चीज़ और है, अगर वीडियो लाइक करते हो ना यार, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है कि आपको लग रहा है कि अप टू द मार्क है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ओके, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। सब्सक्राइब तो प्लीज़ करो ताकि आपको आगे जितने भी हैं अपडेट मिलते हैं, जैसा कि मैंने डिटरमिनेंट टॉपिक ऑलरेडी खत्म ही कर दिया यहाँ पे, और मैं अपने वादे के मुताबिक आगे वाला टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पूरा सिलेबस भी आगे आपको कवर कर ही दूंगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल आप क्या करो कि आप इसके बाद जो पोर्शन है, इस पोर्शन को भी आप देखो, और इसका क्या है कि आप जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स हैं इसको बस आप क्लियर करो और प्रैक्टिस रेडी करो, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए आप अपने आप को रेडी करो, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको अल्टीमेट बता रहा हूँ कि अल्टीमेट सोल्यूशन भाई प्रैक्टिस ही है, ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं है इसका, और कोई तरह का सोल्यूशन नहीं है, सिर्फ जितने ज़्यादा क्वेश्चंस कर सको वही अच्छी बात है मैथ्स में, ठीक है। ताकि क्योंकि आपका जो आगे जब आप पढ़ोगे तो इनइक्वालिटी के बाद आप जब कैलकुलस में मूव करोगे, तो कैलकुलस में क्या है कि आपको कई टॉपिक ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इनइक्वालिटी का बहुत ज़बरदस्त एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है। आपको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन वगैरह में, मैक्सिमा मिनिमा वगैरह में, अब हर जगह इनइक्वालिटी आपके दैनिक जीवन का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। जैसे आप, और यहाँ तक कि ट्रिग्नोमेट्री में भी आपकी इनइक्वालिटी चलेंगी, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में भी आपके ऐसे इनइक्वालिटी वगैरह चलेंगी, अभी बड़ी बड़ी इक्वेशंस में, ठीक है। तो उस तरह के भी क्वेश्चन हमको डील करने, देखने की कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो वो सब जो एनालिसिस है वो सब तभी होगा जब आपको पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स क्लियर होंगे इनइक्वालिटी के, ठीक है। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या है कि यार आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। और एक चीज़ और है यार, अगर आपको थोड़ा सा हमको भी मोटिवेट करो यार, कि अगर आप देखते हो आपको पसंद आता है तो आप दोस्तों में शेयर करोगे, और थोड़ा सा अगर आप बताओगे कि फीडबैक दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा यार, ठीक है, मैं भी थोड़ा मोटिवेट होता हूँ, ठीक है, क्योंकि हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं यार, आपके लिए ही कर रहे हैं, अपने लिए तो कर नहीं रहे, ठीक है। तो जो है कि आप ये जो जितने क्वेश्चंस हो सके सॉल्व करो, ठीक है, और उसके बाद डाउट उठता है तो यू कैन आस्क, अगर आपको लेक्चर में लगता है कोई चीज़ की आपको जो कि आपको अगर लगता है कि इंक्लूड करने की ज़रूरत है तो यू कैन टेल मी। वैसे ऑलरेडी मुझे ज़रूरत बताने की होती नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कुछ जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं मैं खुद कवर कर सकता हूँ, कवर करता ही हूँ, ठीक है। तो आप जो है बस क्वेश्चन को अच्छी तरह से करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ आस्क, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं बताऊँगा, ठीक है। और तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस।